लखीमपुर कांड नूं लैके लगातार सियासत गरमाई हुई इस विचाले अज राहुल गांधी लखीमपुर के राह के उपर ने फ्लाइट के जा रहे हैं यूपी के वास्ते फ्लाइट उड़ चुकी है उन्होंने नाल सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने वह भी मौजूद ने ते जहाज च बैठे चरणजीत सिंह चन्नी का वड्डा बयान सामने आया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए कांग्रेस हमेशा किसानों के नाल खड़ी है तो असं यूपी जाके ही रहेंगे। दस दिए कि राहुल गांधी के वलों कल एक इन्फॉर्मेशन दी गई सी यूपी सरकार नूं इजाजत मंगी गई सी कि सानू आउण दित्ता जावे असीं पीड़ित परिवारां नूं मिलना चाहुंदे हां, लेकिन उस चीज़ नूं उस मंग नूं खारिज कर दिता गया यूपी सरकार दे वल्लों प्रशासन दे वल्लों। ते हुण राहुल गांधी रवाना हो चुके ने, नाल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद ने, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी नाल मौजूद ने। थोड़ी देर पहला इन्हां दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच भी राहुल गांधी ने तानाशाह सरकार दसिया है केंद्र की मोदी सरकार नूं ते यूपी सरकार नूं कई तरह के सवाल खड़े किए ने, आरोप लगाए ने। इस दे बाद सीएम चन्नी दे नाल राहुल गांधी का एक काफिला एयरपोर्ट के वास्ते निकलिया जिथे पहला खबर आई कि उन्होंने रोकया गया, तो उसके बाद एंटर हो गए एयरपोर्ट दियां ये तस्वीर ने जदों राहुल गांधी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल इतने एंटर होए ने। उसके बाद फ्लाइट के विच यह जा रहे ने, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है यूपी फ्लाइट ने जाना है। तो इस दरमियान फ्लाइट तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का वड्डा बयान सामने आता, कहते हैं जो पूछा गया कि तुसी वापस आओगे कि उत्थे रहोगे, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हालात देखांगे, जो लोड़ पई तो उत्थे ही रहांगे, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होएगा उसी डिसीजन लवांगे, लेकिन असी किसानों के नाल खड़े रहांगे, किसानों नाल कांग्रेस हमेशा खड़ी है। दस दी कि प्रियंका गांधी भी यूपी पुलिस की गिरफ्त के विच ने, उन्होंने भी लखीमपुर जाना सी, लेकिन सवेर के समय 5:30 बजे परसों उन्होंने पहला हिरासत के लिया गया, एक गैसट हाउस के उन्होंने रखा गया, ड्रोन के जरिए उन्होंने नज़र रखी जा रही है। कल उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, आरजी जेल उस गैसट हाउस में ही बना दिता गया। तो प्रियंका गांधी लगातार यूपी पुलिस की गिरफ्त के भी ने, इसे लैके कांग्रेस के वलों होर भी ज़्यादा तिखे हमले बीजेपी के उपर किए जा रहे हैं। तो चरणजीत चन्नी का भी कहना है कि शहीदों के परिवार के नाल संबंधित है प्रियंका गांधी, वो अजिहियां हरकतों के नाल अजिहे विहार के नाल डरन वाले नहीं ने, पिछे हटन वाले नहीं ने। चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी के नाल फ्लाइट के विच लखीमपुर जा रहे हैं, लखीमपुर जाण की तैयारी खिंची हुई है, लेकिन उस दरमियान यूपी पुलिस का भी एक वड्डा बयान आ गया। यूपी पुलिस कह रही है कि असी इन्हां नूं एयरपोर्ट से ही रोक लेना है, लखनऊ एयरपोर्ट से ही रोक लिया जाएगा यूपी पुलिस का यह कहना है। दस दिए कि कल जदों छत्तीसगढ़ के सीएम भी इत्थे पहुंचे सन तो उन्होंने भी लखनऊ एयरपोर्ट के उपर ही रोक लिया गया, उन्होंने बाहर नहीं जान दिता गया, जिसके चलते उन्होंने एयरपोर्ट के उपर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिता सी, इकल्ले ही धरना लगा के बैठ गए सन। वो तस्वीर भी उन्होंने ट्विटर के जरिए दिखाई सी कि किस तरीके का वर्ताव उन्होंने नाल किया जा रहा है। उस दरमियान दस दिए कि लगातार जिहड़े भी आगू जा रहे हैं उन्होंने रोकया जा रहा है, लखीमपुर कांड नूं लैके सियासत लगातार गरमाई हुई है किसानों की, लखीमपुर प्रशासन की सहमति तो हो गई सी, बन गई सी, बाद जो किसान ने जिन्हों की मौत हुई सी उन्हां दे अंतिम संस्कार भी कर दिते गए, लेकिन किसी भी विरोधी दल लीडर नूं लखीमपुर नहीं जाण दिता जा रहा। पहला प्रियंका गांधी नूं गिरफ्तार किया गया, अखिलेश यादव नूं हिरासत च लिया गया, संजय सिंह जो आपदे ने उन्हां नूं हिरासत च लिया गया, उसके बाद पंजाब के जो डिप्टी सीएम ने सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने पहला ए हैलीकॉप्टर के जरिए जाने की इजाजत नहीं दी गई, फिर वह जो बाई रोड रवाना हुए MLAs के नाल यूपी बॉर्डर के उपर उन्होंने भी हिरासत लै लिया गया, हिरासत उन्होंने अपनी रात कट्टी। कल राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी का वफद भी रवाना होया, उन्होंने भी कुछ अजिहा ही सलूक किया गया, कुलतार संधवा भी हिरासत च लिया गया, यूपी पुलिस के नाल उन्होंने बहस होंगी भी नज़र आई। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं लखीमपुर जावांगा अपने नाल वफद लैके, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उहदे विच शामिल ने, भूपेश बघेल उहदे विच शामिल ने, फ्लाइट के जरिए राहुल गांधी जा रहे हैं, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वड्डे इल्जाम सरकार के उपर लगाए, एक सिस्टम भी निशाने साधे, तो उसके बाद एयरपोर्ट लई रवाना होए, तो हुण फ्लाइट के राहुल गांधी के नाल सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ते भूपेश बघेल लखीमपुर जाने लई निकल चुके ने। लखनऊ एयरपोर्ट से इन्हां दी फ्लाइट ने लैंड करना है, कुछ ही समय के विच यूपी पहुँच जाएंगे, लेकिन इस दरमियान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का वड्डा बयान आंदा है कि जो मर्जी हो जाए असी किसानों के नाल खड़े हाँ, कांग्रेस हमेशा किसानों के नाल खड़ी है, असी डरन वाले नहीं हाँ, जिह जिह वतीरा किया जा रहा वाकई निंदनयोग है, लेकिन असी इस तो डर के पिछे हटन वाले नहीं हाँ। तो उदों ही
यूपी पुलिस का बयान भी आता है कि जो ये वफद आ रहे हैं इन्हों इजाजत नहीं दी गई, धारा 144 लगी हुई है तो उसके तहत इन्हों भी एयरपोर्ट के उपर ही रोक लिया जाएगा। तो हालात होर ज़्यादा गंभीर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला तो ही प्रियंका गांधी यूपी पुलिस की गिरफ्त के विच ने, गैसट हाउस के उन्होंने रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा समा हो गया उन्होंने उत्थे रखे हुए, दो दिन तो वादा समा हो चुकी है। ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है ते अंदरों वीडियो बना के प्रियंका गांधी निशाने साध रही है। मोदी सरकार तो सवाल भी पूछे कल प्रियंका गांधी ने कि मैनू तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्हां किसानां दे उपर जिसने गड्डी चढ़ाई उसनू कदों गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हाले तक क्यों नहीं हुई। दस दिए कि लखीमपुर के प्रदर्शन कर रहे किसानों के उपर गड्डी चढ़ा दी गई, चार किसानों की मौत हो गई, चार होर लोगों की भी इस दे विच मौत हुई है जदों हिंसा भड़क गई। तो इस दरमियान इल्ज़ाम ने जो कि केंद्रीय गृह राज मंत्री ने उन्होंने बेटे के उपर कि उन्होंने काफले की गड्डी से जिसनों चढ़ाया गया, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी की मंग लगातार की जा रही है। 302 के मुकदमे की मंग से मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी हाले तक किसी भी इस मामले के नहीं हुई। 8 दिनों के अंदर अंदर मुलजमान गिरफ्तार करने का भरोसा लखीमपुर प्रशासन ने किसानों दवाया से, लेकिन हाले तक कोई एक्शन पुलिस का कोई गिरफ्तारी नज़र नहीं आ रही। उधर ही केंद्रीय जो गृह राज मंत्री ने दिल्ली अज पहुंचे हुए हैं, तो इस दरमियान दिल्ली तो राहुल गांधी, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल उड़ान भर चुके हैं यूपी के वास्ते। तो यूपी पुलिस का कहना है कि आने दो, असी एयरपोर्ट से ही रोक लाँगे। हुण एयरपोर्ट के उपर की कुछ देखने मिलता है, कल जदों छत्तीसगढ़ के सीएम उत्थे पहुंचे सन तो उन्होंने धरना लगा दिता सी, उन्होंने एयरपोर्ट के उपर ही रोक लिया गया, अगे नहीं जान दिता गया। पहला तो जो भी परमिशन मांग रहा उसनू परमिशन यूपी सरकार यूपी पुलिस नहीं दे रही, उत्थे आउण दी धारा 144 का हवाला दे रही है। खास तौर पर पंजाबियों की एंट्री बैन की हुई है, पंजाब के वालों किसी भी आने की इजाजत यूपी के नहीं है, तमाम जो बॉर्डर ने उन्होंने उपर ही रोकया जा रहा। सचिन जो पायलट ने जो कांग्रेस लीडर उन्होंने भी लखीमपुर जाना सी, वह भी रवाना होए तो उन्होंने भी गाजीपुर बॉर्डर के उपर रोक लिया गया। तुहानू तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जदों सचिन पायलट का जो काफिला सी नाल एक शायद होर कोई लीडर सन तो इन्हों भी गाजीपुर बॉर्डर के उपर रोक लिया गया है। तो इधर राहुल गांधी, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ते भूपेश बघेल जा रहे हैं, फ्लाइट के मीडिया भी कुछ कर्मी मौजूद ने। तो इस दौरान जो सीएम चन्नी के नाल गलबात की गई है तो उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए असी पिछे हटन वाले नहीं हाँ, कांग्रेस हमेशा किसानों के नाल खड़ी है तो असी पीड़ित परिवारों नू मिल के ही रहांगे। इस बयान के बाद उधर यूपी पुलिस का भी बयान आ गया कि आउण दो, असी इन्हां नू एयरपोर्ट ते ही रोक लेना है क्योंकि परमिशन तो असी नहीं दित्ती हुई, तो असी अगे नहीं जान देना। उधर दस दिए कि पहला ही प्रियंका गांधी यूपी पुलिस की गिरफ्त के विच ने, ते हुण राहुल गांधी नाल सीएम चन्नी ये भी उड़ान दे विच ने, फ्लाइट जा रही है, कुछ ही देर दे यूपी पहुँच जाएंगे। तो उधर यूपी पुलिस ने इन्हां दे पहुँचण तो पहला तैयारी इन्हां नू रोकण दी खिंची हुई है। सीएम चन्नी का तो वड्डा बयान जरूर आया कि जो मर्जी हो जाए पिछे नहीं हटेंगे, असी हर वक्त असी किसानों के नाल खड़े हाँ, पीड़ित परिवार ने जो साडे भरा ने उन्हां नू असी मिल के रहांगे, घबराउण वाले असी नहीं हाँ। प्रियंका गांधी नू भी कह रहे हैं कि उन्हां नू आदत है अज इस तरीके के रवैये की, क्योंकि वह शहीदों के परिवार नाल संबंधित ने, इसलिए उन्होंने भी कोई घबराहट नहीं हो रही, तो कितने उन्हों का हौसला डगमगा नहीं रहा। तो असी भी हुण जा रहे हैं, असी भी किसी कीमत पर पिछे नहीं हटांगे। तो उधर यूपी पुलिस कह रही है कि असी इन्हों रोकण की पूरी तैयारी खिंच ली हुई है। फिलहाल इस वड्डी खबर से निगाह लगातार बनी हुई है, जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी के नाल। दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी एंटर होए ने तो उधर सचिन पायलट न बाय रोड जो जा रहे सन उन्होंने भी रोकया गया है, तो राहुल गांधी इतने एयरपोर्ट से जो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इतों रवाना हुए ने, तो फ्लाइट के जा रहे हैं, कुछ देर यूपी वह पहुँच जाएंगे। Come on!